एक इमारत के मजबूत खंभों के गिरने की ये बेशरम तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है। खंभा वही जिस पर इमारत का पूरा बोझ था, दीवार वही जिस पर टंगनी थी सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीर, और कमरों का ढांचा वही जहां सरकार इंजीनियर बनाने जा रही थी। प्रतापगढ़ में एक निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार को हाथ से गिराते ये शख्स एवेंजर्स एंड गेम वाले थानोस नहीं बल्कि विधायक आरके पटेल हैं। विधायक जी इमारत की जांच करने गए तो इमारत की दीवार, खंभे, चौखट सबको ठेल कर देगा। लेकिन भरभरा कर गिरने की ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन की नीयत कितनी गिर गई, भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गया है और इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत, दीवार, नींव सब कितनी कमजोर है। 100 करोड़ की लागत से बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का काम कितना घटिया है ये इससे देखकर ही पता चलता है कि जिन कमरों में स्टूडेंट्स को बैठाकर पढ़ाई कराए जाने का दावा था उसकी दीवार ठेलने भर से ही गिर जा रही है। कॉलेज में विधायक की जांच वाली ये तस्वीरें डीएम साहब के दफ्तर पहुंची तो आनन फानन में जिले के हुक्मरानों ने एक टीम लगाकर जांच के लिए भेज दिया। अब इस टीम को कहा गया है कि भैया सैंपल ले आओ, भैया ये चेक करो कि दीवार जो बनाई गई वो इतनी कमजोर क्यों बनी, अगर किसी ने कमीशन लिया तो उसका नाम बताओ, पैसा कहाँ कहाँ पहुंचा ये भी बताओ। लेकिन जांच तो ठीक है, लेकिन खराब सामान लगाकर निर्माण हुआ, डीएम साहब मिठाई के जोर के कारण शायद ये बात जान ही नहीं पाए। भला हो विधायक जी का जो दीवार ठेल दी, वरना किसी दिन अगर कॉलेज बनने के बाद पढ़ाई कर रहे लड़कों पर दीवार गिरती, किसी की जान चली जाती तो सीएम साहब का एक ट्वीट आ जाता, 2-2 लाख रुपया मुआवजा मरने वालों को, 50-50 हजार घायल होने वालों को। सोशल मीडिया पर गिरती दीवार और सरकार की नीयत की ये तस्वीर वायरल हुई है तो इस पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं। लोगों ने कहा लगता है विधायक जी को कमीशन नहीं मिला इसलिए जांच करा दी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि करप्शन मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले सीएम योगी के राज की ये तस्वीर ये बता रही है कि निर्माण कार्यों में कितनी लापरवाही है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बीजेपी वालों ने तो बड़ी मजबूत इमारत बनवाई है, लेकिन इस प्रदेश में सीएम योगी के राज में ये तस्वीरें बता रही हैं कि नीचे के अफसर कैसे सूटकेस के पैसे और मिठाई के डिब्बे देखकर निर्माणों की क्वालिटी गिरा रहे हैं। ये मामला सामने आ गया तो बात पता चल गई, पर सोचिए कि अगर ऐसी ही क्वालिटी का कोई पुल, कोई सड़क, कोई अस्पताल बनता और गिर जाता तो सरकार मुआवजे के अलावा जान गंवाने वालों को क्या ही दे पाती। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।